मैंने ये लो आ रही, मैंने खोल के आए मैं जा रही भाई। हाँ यही कहना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 2 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं वोट देने। मैं हम से मुराद में और मेरा बड़ा भाई, इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, केयरलेस बंदा है, घुमा दिया इसने अपना शनाख्ती कार्ड। अब देखते हैं फोटो कॉपी और जो होती है कलर कॉपी, उस पर डालने देते हैं कि नहीं डालने देते। वोट किसको कास्ट कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है। और इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट क्या बता देता हूँ, अल्लाह पाक ने इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत रखी है, कामयाबी वो देता है। वोट कास्ट हो गया हमारा। अब 8 बजे 9 बजे का इंतजार है कि जब रिजल्ट आएगा, मज़ा तब आएगा, रौनक भी तब होगी, तब भी हम बाहर निकलेंगे, जरा कैंपेन्स का दौरा करेंगे कि क्या चल रहा है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज हमने एक बहुत स्पेशल गेस्ट मधु किया अपने साथ, जो भी आ रहे हैं। तो भाई पूरा पाकिस्तान इस वक्त वोटिंग कर रहा है अपने अपने सेलिब्रिटीज़ को, जिसको भी वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अच्छा चला सकता है उसको वोट कर रहे हैं। मैंने भी कर दिया अपना वोट, और मैंने गलती कर दी कि मैंने अपना एक स्टेटस अपलोड कर दिया कि इस तरह। तो 2 बंदों का मुझे रिप्लाई आया कि यार छोड़ दो आप, और एक मुझे कहता था बड़ा एहसान किया। इस वक्त बज रहे हैं 5:45, यानी कि 5:45। तो 5:45 का मतलब है कि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं पोलिंग ख़त्म होने के लिए। पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी का मतलब है कि फिर इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होंगे, मतलब कि हल्ला गुल्ला भी देखने जाना है और सारा अफसोस भी देखने जाना है। मुझे क्यों निकाला। इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट आने का, यानी कि 8-9 बजे तक इंशाल्लाह आ जाएगा, अपने हल्के का आ जाएगा, फिर वज़ीर आज़म साहब का भी आएगा, और हमें पूरा इरादा है कि वज़ीर आज़म हमारा। तो अभी की स्टोरी ये है कि इस ब्लॉग में एक बात शेयर करना चाहता था कि मैं अपने हेयर्स के बारे में वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। काफ़ी अर्से से मेरे माइंड में घूम रही है कि यार बनानी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बनानी चाहिए। अगर बनानी चाहिए तो यस के बारे में कमेंट में यस कर दें। किस मामले में बनानी चाहिए, कि मैं अपने बालों की केयर किस तरह करता हूँ, बाल मैंने बड़े रखने का शौक किधर से आया, क्यों आया, क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे, लंबे बाल मसले मसाइल क्या इशूज़ होते हैं, सारा कुछ बताऊँ। तो यस कमेंट डाउन बिलो। और ये बाल मेरे इंस्पायर्ड हैं समवन एल्स, लेकिन उसके बाद युहानो। और मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि अगर मुझे जुनेजो और युहानो के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो मैं युहानो को प्रेफर करूँगा, क्योंकि युहानो इज़ माय सम एज फेलो टाइप है, और फान जुनेजो बहुत बड़ा लेवल का बंदा है। तो ये दरअसल मेरी छत है, रूफ टॉप है मेरे घर का, और मुझे शुरू के व्लॉग्स के बाद यहाँ पर आने का मौका ही नहीं मिला। भाई किधर गायब? तो दरअसल मैं बड़े बिजी कैजुअल हो गया था मेरी लाइफ का, तो अच्छी बात है बिजी रहना चाहिए। तो ये वही छत है, और मेरी छत पे मेरी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ज़माने में मेरा वर्कशॉप होती थी एक किस्म की, अभी यहाँ पे सिर्फ खरगोश रहता है। तो मैं खरगोश दिखाता हूँ आपको। ये स्टोर रूम के साथ साथ खरगोश है, और ये सब चीज़ें खरगोश ने गिराई हुई हैं, मैंने नहीं गिराई हुई। तो इस्लामाबाद का मौसम आजकल बहुत आउट क्लास हुआ है, लेकिन कभी कभी अजीब सा भी, जिस तरह गर्मी हो रही है इस वक्त, सुबह यहाँ पे बारिश हो रही थी, अभी यहाँ गर्मी हो रही है, तो इस्लामाबाद में सब कुछ चलता रहता है, तो कोई इशू नहीं है। अभी इस्लामाबाद में गर्मी है लेकिन बारिश का मौसम हुआ है, बारिश का मौसम। तो अभी मैंने जाना है पेशावर मोड़, मेरे घर से तकरीबन 2 or 3 किलोमीटर के फासले पर एक कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ पर जाना है, क्योंकि मेरे बाइक का जो साइड टापा होता है, साइड कवर जिस पर बैटरी कवर जिसे कह सकते हैं, वो उसका लॉक गिर गया है, वो लगवाने जाना है, वो लगवाने नहीं वो लेने जाना है, लगाऊंगा मैं खुद ही घर आके। उस्मान नाम तो सुना होगा, उसको उठाने जाना है।
तो भाई सीन्स ये हैं, नहीं सीन्स तो उसके हैं।